चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं पोटेंशियल। मेनली पूरी की पूरी न्यूमेरिकल्स की क्लास आज हमारी पोटेंशियल न्यूमेरिकल्स पर डेडिकेटेड है। शेल के कारण अंदर बाहर सरफेस पे, स्फीयर के कारण नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर बाहर और सरफेस पे, और बस लाइन ऑफ चार्ज, इनके एसेंशियली पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही ये आफ्टर इफेक्ट है। पिछली क्लास में हमने इनके ई के न्यूमेरिकल्स किए थे यही सब केसेस के, आज इन सब के वी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्मली के नाम से तो हमने पढ़ाया था कि यूनिफॉर्मली के नाम से ही ये आप मान लेंगे कि इसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज है, पर अभी उसने क्लियर बोल दिया कि हॉलो स्फीयर है। तो इसने जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया है कि सेंटर पे ऑफ कोर्स हम जानते हैं पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, और सरफेस पे ये पोटेंशियल है। अब क्या है, फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। इन एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल मांग रहा है, वीनेश मांग रहा है, ये एक्सटर्नल मांग रहा है, चार्ज तो वही है, ये स्मॉल आर पे मांग रहा है। तो आपको क्यू एलिमिनेट करना है, रादर के क्यू एलिमिनेट करना है। इस इक्वेशन से पूरे के क्यू को निकाल के वी आर वहां डाल दीजिए, वी आर बाय आर। पोटेंशियल तो एक्सटर्नल पॉइंट पे ऐसा होता ही है, बड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कम होता है, एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया मेरे लिए, बड़ा फेवरेट फॉर्मूला रहेगा मुझे। सरफेस पे अगर पता है, अगर आपको सरफेस पे पता है और एक्सटर्नल पॉइंट पे जाना है, तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है हॉलो हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर एज अ रेडियस आर। हॉलो है, इंपॉर्टेंट बात है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस 3 आर, मतलब फिर ये सारे मैं छोटे आर ही ले रहा हूं, पर जो डिस्टेंस है ना वो 3 आर फ्रॉम द सरफेस है, और आपको सारी दूरियां सेंटर से नापनी पड़ती है। इसने कुछ ऐसा आपको दिया है, ये हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर है, रेडियस आर है, क्योंकि उसने हालांकि सवाल में कोई बात नहीं की थी, मैंने क्यू को अज्यूम कर लिया और बाद में क्यू को एलिमिनेट कर दूंगा। शायद मैं अपना आंसर वी के टर्म्स में दूंगा, क्योंकि सवाल में भी मुझे वी के बारे में बताया गया है। तो जो पहला पॉइंट है ना, इसकी सेंटर से दूरी 4 आर है, तो वो कह रहा है क्यू बाय आर, हाँ के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय 4 आर इज इक्वल टू वी। तेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस, सरफेस पे ये पोटेंशियल, और जो डिस्टेंस 3 आर है वो सरफेस से है, सेंटर से 4 आर है, तो मैं ये के क्यू बाय आर कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू वी, तो के क्यू बाय आर इंटू 3/4 इज इक्वल टू वी। अब जो मुझे नया वोल्टेज निकालना है वो सेंटर से 3 आर के डिस्टेंस पे निकालना है, जो मुझे न्यू नया पोटेंशियल निकालना है वो ये निकालना है। यहां से मैं के क्यू को, यहां से राधा पूरा के क्यू बाय आर जो है उठा के 4/3 वहां डाल देता हूं। ये है 1/3 इंटू के क्यू बाय आर, और ये पूरा टर्म एलिमिनेट किया जा सकता है, तो 1/3 इंटू 4V/3 बस 4V/9 इसका आंसर आ गया। आप अपना आंसर क्यू के टर्म्स में नहीं दे सकते थे, ठीक है। कोई डाउट है आपको, ध्यान देना है कि बात सरफेस से चल रही है, कब बात सरफेस से चल रही है और कब बात सेंटर से चल रही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिगर शोज टू शेल्स, ये और ये एक शेल है। फिगर शोज टू शेल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब इसका असर इस पे नहीं हो रहा है, इनका असर इसका असर खाली 1 और 3 पे, खाली इनका असर लेना है, क्रॉस असर नहीं हो रहा है, दूसरे से काफी दूर है। सेम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन देम, शायद काम की बात है। सेम पॉजिटिव चार्ज, इनका क्यू सेम है, इनका क्यू सेम है, ये पॉइंट 1 और 2 है और ये 3 और 4 है, एट सेम रेडियल डिस्टेंस, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो सेम है,
सरफेस से दूरी इनकी शायद अलग अलग दिख रही है आपको, बी वन और बी टू में से बताना है कौन बड़ा है। इक्वल है सर, हैं? इक्वल इक्वल ही नहीं है ये, रहेंगे। इक्वल इक्वल इक्वल, नहीं बी टू है बड़ा है तो वी ना, टू बड़ा है। वी टू बड़ा नहीं है। आपने ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए सवाल इंक्लूड किया गया है कि जो छोटे स्फीयर का पार्ट ऑफ जो बनाया था ना, जो स्मूथ जो शार्प पॉइंट्स हैं, देर आर पार्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर दिख रहा है, ये बड़ा स्फीयर है, इवन बड़ा इसका आर कम है और क्यू सेम है, वोल्टेज होता है क्यू बाय आर, वोल्टेज होता है क्यू बाय आर, दोनों का क्यू सेम है पर इसका आर कम है। अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, सरफेस की बात नहीं हो रही, चार्ज पूरा सेंटर पे ही माना जाएगा, चार्ज पूरा सेंटर पे ही माना जाएगा, ये बात सही है कि इसका आर कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा है सरफेस पे, अगर बात करें तो नुकीले पॉइंट्स पे इंटेंसिटी ज्यादा होती थी, पर खैर बी का मामला है क्यू बाय आर, और क्यू भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, क्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो हाँ बी वन और बी टू बराबर है, V1 और V2 बराबर है, ये बात आप सही कह रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से नापते हैं। अब आपको V3 और V4 कंपेयर करना है, आप V3 और V4 में से बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। V3 बड़ा V3 है। बड़ा, हाँ अब ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही जितना इसकी सरफेस पे, और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल उतना ही जितना इसकी सरफेस पे, और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कम है, तो V3 बड़ा, ये बात आप सही कह रहे हैं, V3 इज ग्रेटर देन V4, ये इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर आप हो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूरी पूरी सेंटर से नापते हैं, अब अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे हैं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूरी पूरी सेंटर से नापते हैं, पर अगर आप इंटरनल पॉइंट पे हो तो पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, तो छोटे स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, छोटे स्फीयर की सरफेस पे इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, हमने पढ़ा था कि जो स्मूथ जो शार्प पॉइंट्स हैं, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स में जो शार्प पॉइंट्स हैं उन वहां पे उस समय तो खैर पोटेंशियल सेम पड़ा था पर वहां इंटेंसिटी ज्यादा थी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, कुछ वही कॉन्सेप्ट दोबारा टच करना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन स्फेरिकल शेल, फिर से शेल है ये, एज अ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, एज अ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, कहता है अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर बाय टू फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस सेंटर से आर बाय टू है, आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, बता दीजिए। बता दीजिए। KQ हाँ, इसमें चार्जेस जितने बाय हैं हर एक का असर लेना पड़ेगा, इसके कारण तो पोटेंशियल जो सरफेस पे चार्ज है ना, जो सरफेस पे चार्ज है उसके कारण तो पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे जो चार्ज है, सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे, पर इसे क्यों मिस कर देंगे आप, ये तो अंदर सब कुछ पैदा करेगा ना, जो सेंटर का चार्ज है वो के क्यू अपॉन आर बाय टू पोटेंशियल भी पैदा करेगा ना, इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पोटेंशियल दो कारणों से, इसका भी असर होगा इसका भी असर होगा, अंदर अगर चार्ज बैठा है तो वो तो अंदर पूरी फील्ड पैदा करेगा ना,
बाहर की फील्ड अंदर नहीं एंटर कर पाती, बाहर की फील्ड अंदर नहीं एंटर कर पाती, पर अगर चार्ज कभी अंदर बैठा है तो वो तो अंदर फील्ड पैदा करेगा। इसलिए यहाँ पोटेंशियल दो कारणों से होगा, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। लिख दीजिए इफ अ चार्ज इज इनसाइड द शेल, इफ अ चार्ज इज इनसाइड द शेल इट विल प्रोड्यूस इट्स फील्ड, इट विल प्रोड्यूस इट्स फील्ड। So potential at P will be due to each charge. Potential at P will be due to both of the charges. Potential at P will be due to both the charges. आप लिख सकते हैं कि internal point पे मतलब external fields अंदर enter नहीं कर पाती। लिख दीजिए external fields cannot enter. External fields cannot enter a metal. External fields cannot enter a metal, but a charge kept in the cavity, but a charge kept in the cavity will create its own field and potential, its own intensity and potential at all points around it. Cavity में अलग से कोई charge बैठा है तो उसे क्या पता कि मैं cavity के अंदर बैठा हूँ कि बाहर हवा में बैठा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। जो चार्ज कैविटी के अंदर बैठा है ये तो सब अपना नॉर्मल वैसे ही पैदा करेगा जैसे करता है। क्वेश्चन फिफ्थ है आपके सामने, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्म, अगर वो खाली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोले थ्रू आउट द वॉल्यूम ना भी बोले तो भी मैं मानूंगा कि थ्रू आउट द वॉल्यूम का एक केस है। तो अब तो आप जानते हैं शायद सॉल्यूशन में मैं यही कहूंगा यूज सिमेट्री, उसको कुछ यूज करिए। सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 के क्यूब आया, पूरी वॉल्यूम है ना, 3/2 के क्यूब आया। तो अब आपको ये मानना है कि अगर ये भी होता, अगर फुल होता तो फॉर्मूला आप जानते हो, तो पहले फुल का लिख लो फुल के पोटेंशियल को, पोटेंशियल ड्यू टू फुल। अगर ये पूरा होता तो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखता, के द 3/2 के क्यूब बाय आर। अगर ये फुल होता तो चार्ज भी तो डबल होता, अगर ये पूरा होता तो चार्ज भी डबल होता। अभी आपको हेमिस्फीयर निकालना है, हेमिस्फीयर का निकालना है तो वो जो इंटेंसिटी आएगी पोटेंशियल आएगा वो हाफ वी फुल आएगा। इसलिए आप इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा 3/2 के क्यूब बाय आर। सिमेट्री जैसे हम गॉस थ्योरम में यूज करते थे ऐसे यहां भी कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में भी ऐसा बहुत करते थे कि एलिमेंट्री सेक्शन के एमआई का जो फॉर्मूला है वही पूरी बॉडी के एमआई का फॉर्मूला, ऐसा हम बोलते थे। तो चार्ज अपना अपना लेते हैं, ये एक एलिमेंट्री सेक्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से ये सवाल हो रहा है। सर हाँ बोलिए सर, 2q क्यों लिया है, क्यों ही लेंगे ना, क्योंकि क्यों पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज क्यों है। अगर ये कंप्लीट होता ये भी होता तो इसमें भी क्यों होता ना, अगर ये फुल हेमिस्फीयर होता तो टोटल चार्ज 2q होता, तब कंप्लीट स्फीयर के सेंटर पे, कंप्लीट स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल का वो फॉर्मूला आता। पर अभी आधा चार्ज नहीं है इसीलिए पोटेंशियल आधा है, चार्ज ही तो पोटेंशियल पैदा करता है। इतने में क्यों दिया है सवाल ने, इतने में क्यों दिया है तो मैं पूरे में क्यों थोड़ी मान सकता हूं। यदि इतने का मास m होगा तो ऐसे कंप्लीट का मास 2m होगा ना। यस सर राइट, गुड, आपने पूछा, शाबाश, वेरी गुड, करते रहिए आराम से, ऐसे ही पूछते रहिए।
हाँ ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दैट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मतलब उसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज है, जरूर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विल बी हाफ दैट एट द सेंटर। तो जिस पोटेंशियल की बात कर रहा है वो हाफ 3/2 के क्यू बाय आर है, 3/2 के क्यू बाय आर जो पोटेंशियल है वो 0.75 के क्यू बाय आर है। तब आपको ये सोचना है कि ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट है या एक्सटर्नल पॉइंट है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो है, इसमें ज्यादातर हमारी टेंडेंसी यही होगी कि हम सोचेंगे कि ये इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला लगाने की जल्दबाजी में रहेंगे हम लोग। हम इंटरनल पॉइंट का ये केस हो सकता है या एक्सटर्नल पॉइंट का, ये पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इंटर बाहर है कि अंदर है, सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाय आर होता है, बाहर है ये बाहर है। हाँ ले लीजिए, पोटेंशियल एट द सरफेस इज के क्यू बाय आर एंड दिस पोटेंशियल इज लेस देन दैट एट द सरफेस, देयरफॉर एक्सटर्नल पॉइंट। और फिर तो बस वी प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाता है। उसने बोला है पोटेंशियल आधा है, dp is equal to v center by 2, तो k q by small r is equal to 1/2 k q by, नहीं वो सेंटर का आधा है ना, तो सेंटर का फॉर्मूला एक्चुअली आपकी बार ये है, ये हाँ, तो k कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए, तो स्मॉल आर इज 4/3 कैपिटल आर, ये स्मॉल आर इज 4/3 कैपिटल आर, ठीक है। ये ग्राफ आता था इसका, यहां पोटेंशियल 1.5 क्यू होता था, सरफेस पे पोटेंशियल क्यू होता, सरफेस पे पोटेंशियल क्यू होता था, यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू बाय टू आर क्यूब इंटू 3r² माइनस आर स्क्वायर होता था, और यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल के क्यू बाय आर होता था। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ये इंटरनल पॉइंट्स है, ये सरफेस की बात है। तो ये 1.5 क्यू और ये क्यू है, और पॉइंट पोटेंशियल 1.5 क्यू का भी आधा है, मतलब जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो यहाँ है, वहां ये लॉ ओबे होता है, इंटरनल पॉइंट पे ये लॉ ओबे होता है। ये अगला क्वेश्चन है, मैं इस समय आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के करा रहा कि द पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर एज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्यू, इट इज अ स्मूथ नैरो टनल थ्रू इट्स डायमीटर, चार्ज माइनस क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस, स्पीड एट सेंटर इज, ग्रेविटेशन में भी ऐसे आपने सवाल किए ही हैं, आप जानते हैं कि हम डायरेक्टली दिमाग में क्या आएगी हमारे पास, सीधे क्या लॉ आएगा, बोलिए क्या लगाएंगे, एसएच कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे हम तो। उसने मांगा क्या है वो तो देखो, एसएचएम होगा या नहीं होगा उस बारे में दिमाग ले ही नहीं जाना, हमें तो ये कहना है पहले पी एट सरफेस प्लस के ई एट सरफेस इक्वल पी एट सेंटर प्लस के ई एट सेंटर। सरफेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है क्यू बी माइनस क्यू इंटू वी एट सरफेस प्लस जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी, अब मैं वी एट सेंटर ले लूंगा प्लस ये हाफ एम वी स्क्वायर कर लूंगा, बस इतना ही है। सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर है, और सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 3/2 के क्यू बाय आर, बस इतना ही करना है आपको, दैट्स इट। सबसे पहला जो दिमाग में बात आनी चाहिए वो है एनर्जी कंजर्वेशन, एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसने पूछा ही नहीं है,
ग्रेविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर से 3/2 के क्यूब है यार, आपको याद नहीं आता, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज उसकी वॉल्यूम में भरा है, चार्ज उसकी वॉल्यूम में भरा है, ये फिगर मिस आउट हो जाता है। सॉलिड स्फीयर्स में जहां पूरी वॉल्यूम में चार्ज भरा रहता है, हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए। सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उसके न्यूमेरिकल्स के बाद हम आगे वापस आ गए हैं। पोटेंशियल का वो फॉर्मूला जो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में था उसको यूज करना है। क्वेश्चन ये है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग है, डिस्चार्ज दिस वाज अनदर अनचार्ज्ड, दूसरा अनचार्ज है और ये टच कर रहे हैं, कंडक्शन हो रहा है इनमें। अब आपको ये बताना है कि जब आप इन्हें टच करेंगे तो आप तो जानते हैं चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक बहेगा, कब तक? जब तक दोनों में इक्वल हो जाए, पोटेंशियल 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 की चार्ज चार्ज, हाँ पोटेंशियल लिख दीजिए, चार्ज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू बॉडी एट लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू बॉडी एट लो पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। और वार्निंग लिख दीजिए, देयर चार्जेस डू नॉट नेसेसरली बिकम सेम, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जोड़ देते हैं तो चार्ज हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी में जाता है, तब तक जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। अब मुझे एक जानकारी है कि इनके वोल्टेज सेम है और अननोन है सिग्मा, और दोनों के रेडियस भी दिए हुए हैं, आपको क्या लगता है मैं कौन सा फॉर्मूला ले लूं? बस बात खत्म। अब जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो चार्ज बढ़ेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, तब तक जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, पोटेंशियल की गारंटी है, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके बारे में बात है नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटी में और बेहतर पढ़ेंगे। अगर ये आइडेंटिकल होते हैं, सॉरी आइडेंटिकल होते हैं तब तो फिर चार्ज भी सेम होता है, बेसिकली पोटेंशियल सेम होता है। और ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको रिवाइज करवाना था, ये फॉर्मूला रिवाइज करवाना था। उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस अज्यूम दैट अर्थ हैज अ नेट चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पर मीटर स्क्वायर, शायद चार्ज डेंसिटी दी है और पोटेंशियल निकालना है, मुझे लगता है बी का यही वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, और इंटेंसिटी किसी मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल निकालना है, सिग्मा उसने दिया इलेक्ट्रॉन पर, आप लिखिए कूलम्स में 1.6 × −19 कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस है आपका 6400 किलोमीटर जिसे कि हम मीटर्स पे रखेंगे, अपॉन एप्सिलॉन 0 8.85 × 10−12 ऐसा, ठीक है। जो सिग्मा है वो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में है, इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने कूलम ले लिया, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है मैंने मीटर में ले ली, और एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है। कुछ गलती की क्या मैंने, कुछ मिस किया क्या? पॉइंट नहीं देखा कहां पर पूछ है, पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है कहां पर पोटेंशियल, नहीं नहीं पूरे अर्थ पे, वो कह रहा है ऑफ इट सरफेस एरिया, एक पॉइंट में नहीं है, कह रहा है पूरे अर्थ पे ऐसे चार्ज फैला हुआ है जैसे कि हर मीटर स्क्वायर पे बस एक इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज डेंसिटी है वो इतनी है कि एक मीटर स्क्वायर के एरिया में एक इलेक्ट्रॉन। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.12 वोल्ट।
और ऑप्शन में एक माइनस भी है और एक प्लस भी है, तो ये माइनस साइन आप डालेंगे क्योंकि अर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक मीटर स्क्वायर पे एक इलेक्ट्रॉन है यार, एक मीटर स्क्वायर पे एक इलेक्ट्रॉन है, शायद यही कारण है कि आप अर्थ को जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस मान लेते हैं। नाउ दिस इज नेग्लिजिबल, एक मीटर स्क्वायर पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां तो ऐसे हाथ मारा तो ही 10,000 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उससे भी ज्यादा। अब आपके सामने अर्थिंग के कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है कि देयर आर टू अनचार्ज्ड आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स 1 और 2 ऑफ रेडियस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और डी काफी ज्यादा है, दोनों ही अनचार्ज है। पहले अचार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम है और उसमें चार्ज क्यू है, इस टच विद वन ऑफ द स्फीयर्स। पुरानी कंडीशन तो ये है, ये इनके बीच में डिस्टेंस डी है और इनका रेडियस आर है, इनका रेडियस आर है। और तीसरा ये लेकर चार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियस चार्ज क्यू इज टच विद वन ऑफ द स्फीयर्स। अब अगर ये आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, बेसिकली पोटेंशियल सेम होता है, और अगर साइज सेम हो तो फिर चार्ज भी सेम हो जाता है। एंड आफ्टर इट समटाइम इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो जो फाइनल कंडीशन है बस वो इतनी सी है कि इस पे चार्ज क्यू बाई टू हो गया, इसका रेडियस आर है, ये डिस्टेंस डी है जो कि बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस डी है, और ये वाला अभी भी अनचार्ज है। आप एक को लाए थे, आपने इसको टच कराया था और वापस ले गए थे वापस। After some time it is moved away from the system. अब असली बात कह रहा है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट चेक करना है हमको। अब कह रहा है इस पे नया चार्ज कितना आएगा, अब इस पे नया चार्ज कितना आएगा। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं इसको, क्या जानते हैं कि जिसको आपने अर्थ किया है आप उस पर चार्ज क्यू डैश अज्यूम कर लीजिए और उसके पोटेंशियल की इक्वेशन जीरो लिख दीजिए। इसके कारण यहां पोटेंशियल है क्यू बाई टू अपॉन डी, क्योंकि सेंटर से दूरी डी है और खुद के कारण वहां पोटेंशियल है के क्यू डैश बाय आर उसकी सरफेस पे, और ये दोनों मिला के जीरो हो गए। बस इससे क्यू डैश निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय टू डी इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश बाय आर। तो जो क्यू डैश है वो है माइनस क्यू आर बाय टू डी, बस ये आंसर है। इसको अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, इसका टोटल पोटेंशियल जीरो हो गया। इस पे चार्ज निकालना है उसी को क्यू डैश मान लीजिए, इस पे चार्ज निकालना है उसी को क्यू डैश मान लीजिए। अब इसके कारण यहां पोटेंशियल, इस पे क्यू बाय टू है, बस इस पे क्यू बाय टू है, क्यू बाय टू के कारण डिस्टेंस डी पे पोटेंशियल, और इसके सरफेस का पोटेंशियल, इस पूरे को आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, दैट्स इट, यही है बस। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के करेंगे। बस ये मान लेता हूं कि ये चार्ज क्यू है, ये अनचार्ज है, और कुछ बोला तो नहीं है, पर मैं अलग से बोल भी देता हूं कि अर्थ भी नहीं है। अर्थिंग का असर हम देख चुके हैं, पर फिलहाल ये अर्थ भी नहीं है। अब आपको इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, डी का और ई का, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल बताने, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल बताने। ये शेल है या सॉलिड स्फीयर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे तो कोई चार्ज है नहीं और ये अर्थिंग भी नहीं है। इस पे इंडक्शन से माइनस क्यू और प्लस क्यू ले सकते हैं, ले कि ना ले कोई फायदा नहीं होगा। जो जितना अगर यहां पोटेंशियल देख रहा हूं तो जितना ये माइनस क्यू करेगा उतना ही प्लस क्यू करेगा। इंडक्शन का असर अभी कंसिडर मत करिए, अभी केवल इसके ही कारण ले लीजिए। जो ए पे पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर है, अगर ये डिस्टेंस आर आर है तो के क्यू बाय आर है ना, और वही बी का भी पोटेंशियल है क्योंकि हर इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल उतना होता है जितना सरफेस का होता है। अगर आपको सी का पोटेंशियल चाहिए तो पूरा सी तक जाइए,
अगर आपको डी का पोटेंशियल चाहिए तो पूरा डी तक जाइए, और अगर आपको ई का पोटेंशियल चाहिए तो पूरा सेंटर से लेके ई तक जाइए। इस पे कोई चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे, आपको देखना है कि टोटल मेरे पास चार्जेस हैं कितने। मेरे पास एक ही चार्ज है बस, ये अनचार्ज है, और जब तक इसे अर्थ नहीं जोड़ कर देते ना तब तक इस पे इंड्यूस चार्ज का असर कंसिडर नहीं करते। वो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अंटिल अर्थ, अंटिल अर्थिंग इज डन, इफेक्ट ऑफ इंडक्शन, इफेक्ट ऑफ इंड्यूस चार्ज इज नॉट कंसिडर्ड, effect of induced charge is not considered in calculation of E or V, in calculation of E or V, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि ये Q है, हाँ इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, और ये अनचार्ज तो है बाहर वाला, पर इसको अर्थ कर दिया गया है बस, तो फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। तो जो आपको निकालना है आप उसे क्यू डैश मान लीजिए, और इसके कारण यहां पोटेंशियल होगा क्यू बाय आर, इसका असर यहां देखिए और खुद का असर भी यही देखिए, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, जिसे अर्थ किया है ना उस पर चार्ज क्यू डैश अज्यूम कर लीजिए, जिसे अर्थ किया है उस पर चार्ज क्यू डैश अज्यूम कर लीजिए। अब इसके कारण, इस क्यू के कारण सेंटर से दूरी ये ले लीजिए, आपको इसका असर यहां देखना है, आपको इसका पोटेंशियल लिख लिखना है, आपको इसका पोटेंशियल लिखना है, तो बस फिर तो Q is equal to minus Q dash आ ही गया। वो तो मैं कह ही सकता था कि इंडक्शन से यहां माइनस क्यू आएगा और बाहर प्लस क्यू आएगा, और ये वाला क्यू अर्थ में चला जाएगा, तो बस यहां माइनस क्यू बचे, इंडक्शन से माइनस क्यू आया, बाहर प्लस क्यू आया, और बेसिक से भी हमने कर दिया कि भाई इसका जैसे अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो लेना है, जिसे अर्थ कर दिया उसको चार्ज क्यू डैश मान लो, और उसके टोटल पोटेंशियल की इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अब खैर फाइनली ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, और अभी कहीं अर्थिंग नहीं है, और हमने इसको चार्ज दिया है, इसके सर्फेस पे चार्ज क्यू वन है, और इसका रेडियस आर है, चलिए वही सब ए बी सी डी और ई, आपको हर पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। अब ध्यान रखिएगा क्यू टू का असर भी लेना है, दो चार्ज हैं, इसका भी असर लेना है, इसका भी असर लेना है, तो जो पॉइंट ए है ना वो दोनों के लिए इंटरनल पॉइंट है, वो दोनों के लिए इंटरनल पॉइंट है, ये क्यू वन बाय आर प्लस Q2 by, अब वो डिस्टेंस R डैश मान लेता हूं, ये जो पॉइंट A है दोनों के लिए इंटरनल पॉइंट है, इसीलिए जो पॉइंट, इसी तरह जो पॉइंट B है उस पे Q1 के कारण पोटेंशियल यही होगा और Q2 के कारण भी पोटेंशियल यही होगा। जहां तक C का सवाल है तो वो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर जा रहे हैं तो खुद ही अपनी दूरी नापिए, बाहर जा रहे हैं तो सेंटर से अपनी पूरी खुद ही दूरी नापिए, बाहर जा रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जब तक अंदर है तब तक प्रोटेक्शन है, और आप बड़े वाले के अभी भी अंदर हैं तो बड़े वाले का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है, बड़े वाले के अंदर है तो बड़े वाले का प्रोटेक्शन प्राप्त है, जब आप डी पर हैं तो इसके लिए तो आप एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट है तो खुद अपनी दूरी खुद ही नापिए सारी, और इसकी सरफेस पे है तो कोई बात नहीं, पूरा रेडियस लेंगे। और जहां तक ई का सवाल है तो ये दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, खुद दूरी पूरी नापिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं,
आप दूरी पूरी खुद ही नापिए, ये आंसर। ये काफी यूजफुल क्वेश्चंस है, अच्छे से कर लीजिए। ये जो पॉइंट ए है, ये दोनों का इंटरनल पॉइंट है, इसको दोनों का प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो जितना इसकी सरफेस पे है और जितना उसकी सरफेस पे है वो ए का पोटेंशियल है। जो बी है वो भी इसकी सरफेस का है और उसके लिए इंटरनल है। इसके सरफेस का फॉर्मूला और उसके इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। इंटरनल पॉइंट पे तो प्रोटेक्शन उतना ही है जितना सरफेस पे है, तो सरफेस तक गया है। ये जो पॉइंट सी है, ये इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और इसके लिए इंटरनल पॉइंट है। जिसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है उसमें तुम उस पॉइंट तक आओ, पूरा खुद आओ, अपने अपना रायता तुम्हें संभालो, तो ये इसी तक खुद आओ। और ये बड़े वाले के अंदर है, बड़े वाले का प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो जितना उसकी सरफेस पर है उतना यहाँ है, तो उसकी सरफेस तक जाओ, बड़े वाले की सरफेस तक जाओ। डी जो पॉइंट है वो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पे पूरी दूरी खुद नापते हैं सेंटर से यहाँ तक, और ये इसके सरफेस का पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट है तो हम सेंटर तक नापेंगे। और ई जो है वो दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर जा रहे हो खुद सवाल हो, क्यू वन से पूरी दूरी ए का रास्ता सब खुद खुद डिसाइड करो, और इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है और दूरी सेंटर से नापो। या तो हम सरफेस तक नापते हैं दूरी, या दूरी सरफेस तक नापते हैं, यहाँ दूरी सरफेस तक नापी, ये सरफेस तक नापी, ये सरफेस तक नापी, ये सरफेस तक नापी, ये एक्सटर्नल पॉइंट तक नापी, ये सरफेस तक नापी, ये एक्सटर्नल पॉइंट तक नापी, ये इसकी सरफेस तक नापी, और ये दोनों के एक्सटर्नल पॉइंट तक नापी। या तो सरफेस तक की दूरी नापते हैं या एक्सटर्नल पॉइंट तक की दूरी नापते हैं, आपको ये डिसाइड करना होता है। आप लिख दीजिए, फर्स्ट वी मस्ट डिसाइड दैट द चार्ज इज इंटरनल पॉइंट, दैट द पॉइंट इज इंटरनल पॉइंट ऑफ विच चार्ज, द पॉइंट इज इंटरनल पॉइंट ऑफ विच चार्ज एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ विच चार्ज। किसका ये इंटरनल है और किसका एक्सटर्नल है और किसके सरफेस पर है, ये तीन केसेस बनते हैं। यही सवाल मैं फिर से दे रहा हूं, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है और इनके रेडियस A और B और C है, इनके रेडियस A B C है और एक बस पॉइंट ये A है और एक पॉइंट B है, तो ये A पॉइंट D भी ले लेता हूं। अब आपको वही लिखना है, A का पोटेंशियल, B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल, कौन किसके लिए इंटरनल पॉइंट है और कौन किसके लिए सरफेस का पॉइंट है और कौन किसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, वो सब देखिए। A जो है वो इस वाले के लिए तो एक्सटर्नल है, इसको मैं वो मान लेता हूं, तो इस वाले का असर नापना है तो खुद दूरी सेंटर से लिखो, और इस वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है तो मैं इसकी सरफेस तक आऊंगा, और इसका भी इंटरनल पॉइंट ए, उसका भी इंटरनल पॉइंट है, ए उसका भी इंटरनल पॉइंट है, तो मैं उसकी सरफेस तक जाऊंगा। ये हो गया, दोबारा लिख लेता हूं मैं, जो ए है वो ए का वो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट है तो पूरा ओए, पर Q2 के लिए इंटरनल पॉइंट है, उसकी सरफेस तक जाऊंगा। Q3 के लिए भी ये इंटरनल पॉइंट है तो उसकी सरफेस तक जाऊंगा। जहां तक B का सवाल है वो Q1 और Q2 दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, खुद तुम वहां तक जाओ, Q1 के सेंटर से भी और Q2 के भी सेंटर से खुद तुम B तक जाओ, पर इसका तुम बड़े वाले का फायदा उठा सकते हो। Q3 के लिए तुम उसके अंदर हो तो उसकी सरफेस पर जाना पड़ेगा, और इसी तरह D की अगर बात करें तो ये सबके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और सबके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो वो D, सबके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये अगर सबका इंटरनल पॉइंट है या सबका एक्सटर्नल पॉइंट है तो कोई इश्यू नहीं है। ये पॉइंट अगर यहां होता ना तो ये सबका इंटरनल पॉइंट होता,
तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है आपको। अगर सबका एक्सटर्नल पॉइंट है तब तो और भी आसान है, पर प्रॉब्लम इनकी थोड़ी बहुत आती है कि किन्हीं का इंटरनल पॉइंट है और किसी का एक्सटर्नल पॉइंट है, पर ये सवाल बहुत ज्यादा काम के हैं, प्रैक्टिस इनकी होनी चाहिए। बढ़िया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे एक चार्ज क्यू है बस, और कहीं कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे बस एक चार्ज क्यू है और ये सेंटर से डिस्टेंस आर पे है। ये जो शेल है इसका इनर रेडियस 2 आर है, इनर रेडियस ऑफ शेल इज, इनर रेडियस ऑफ शेल इज 2 आर एंड आउटर रेडियस ऑफ शेल इज 3 आर। ये 2 आर है या 3 आर, चार्ज एक ही है। अब बस प्रश्न यही उठता है कि मेटालिक है, कंडक्टिंग है, इंडक्शन का असर लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ, नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमारा गलत डेवलप हो गया। इंडक्शन का असर लेंगे क्योंकि पहले तो क्या था, ये बहुत बड़ा पतला था ना, ये पहले तो बड़ा पतला था, ये माइनस क्यू होता था तो ये प्लस क्यू होता था, तो दोनों का असर यहाँ पे सेम आता था। अब क्या ये डिस्टेंस है, अब लेंगे, अर्थिंग तो नहीं है, पर क्यू के सामने यहां माइनस क्यू आ जाएगा और इधर आउटर स्किन पे प्लस क्यू आ जाएगा। अब इंडक्शन का असर लेंगे और यहां एक नहीं तीन चार्जेस हैं, आपको तीन चार्जेस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से के इस वाले के कारण पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, और इसके कारण है माइनस के क्यू बाय 2 आर, और बाहर वाले के कारण है प्लस के क्यू बाय 3 आर। बस ये फाइनल आंसर। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंड्यूस चार्ज का असर तब तक नहीं लेते हैं जब तक अर्थिंग नहीं होती है, वो खाली थिन शेल्स के लिए वैलिड था। अगर इन चार्जेस में डिस्टेंस है तो फिर इसका यहां असर और इसका यहां असर कैंसिल नहीं करेगा, ये ऑपोजिट तो है पर ये पूरा कैंसिल नहीं कर पा, तो वो एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो गया, बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। नित दीजिए, ये इफेक्ट ऑफ इंडक्शन इज नेग्लिजिबल, इफेक्ट ऑफ इंडक्शन इज नेग्लेक्टेड ओनली फॉर थिन शेल्स। इफेक्ट ऑफ इंडक्शन इज नेग्लेक्टेड ओनली फॉर थिन शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिगर शोज टू कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस आर एंड 3 आर, आउटर शेल का चार्ज क्यू है और इनर शेल न्यूट्रल है, ऐसा इसमें डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, आउटर शेल कैरीज द चार्ज क्यू एंड द इनर शेल इज न्यूट्रल, बट द चार्ज इज फ्लोस फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ आउट ऑफ द स्विच केस क्लोज। अर्थिंग देखते ही साथ हमें तो मजा आ जाता है साहब, क्या करें, यहां चार्ज क्यूडेस अज्यूम कर लेते हैं और एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस 3 आर है, और इस वाले के पोटेंशियल को जीरो बोल देते हैं कि क्यूडेस पर आर प्लस के क्यू बाय 3 आर इज इक्वल टू जीरो। जिसको अर्थ किया इसका पोटेंशियल खुद के कारण तो यह है, और ये पॉइंट बड़े वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, अंदर हो तो पूरी सरफेस तक जाओ, अंदर हो तो सरफेस तक जाओ, और बाहर हो तो फिर पूरा बाहर तक जाओ, पर अंदर हो तो खाली अंदर तक मत रह जाओ, अंदर हो तो सरफेस तक जाओ। ये पॉइंट, ये स्पीयर बड़े वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, हम पूरी इसकी सरफेस तक गए और बस ठीक है। अब तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 3, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 3, ये आंसर आ गया। ठीक है सर, एक बार वापस से बता दीजिए। यार भाई, उसने कहा है कि जैसे हमारा तो रूल है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बड़े छोटे सवाल होते हैं, ये सॉल्यूशन इतनी सी है, आप देखिए सवाल बड़े मस्त सवाल होते हैं।
एक बार इनका फोबिया निकल गया तो मजा ही मजा आया आपको। बड़े प्यारे सवाल है, जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल की इक्वेशन लिखो और जीरो से इक्वेट कर दो। इस स्विच को जब ये क्लोज कर देंगे तो ये अर्थिंग हो जाएगी, बस इसका पोटेंशियल जीरो, खुद के कारण पोटेंशियल है क्यू डैश बाय आर, इसका सरफेस का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, और अगर इंटरनल पॉइंट पे आप हो तो जितना सरफेस का पोटेंशियल है उतना इसका भी है। इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है क्यू बाय थ्री आर, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है क्यू बाय थ्री आर, तो इसका भी पोटेंशियल है। इसके टोटल पोटेंशियल को जीरो से इक्वेट कर दो, पर जो एक्चुअली आंसर वो मांग रहा है, जो एक्चुअल आंसर मांग रहा है उसका आंसर प्लस क्यू बाय थ्री है। क्या आप समझा सकते हैं? क्योंकि वो अर्थ है। अर्थ है तो क्या हुआ, धरती माँ है, पैर पड़ो उसके, सिर्फ हाफ चार्ज फ्लो होगा अर्थ में। एक कोई बोलो, अमरजोत बोलो। सर पहले न्यूट्रल थी वो, तो जब ठीक है। और कौन बोल रहा था अभी? सर नेहल। हाँ नेहल बोलो। सर सिर्फ हाफ चार्ज फ्लो होगा अर्थ में? नहीं नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यू आर डूइंग नेहल, नेहल बहुत अच्छा, तुम्हारा व्हाट्सएप पे जो भी दिखता है चैट बड़ा मजा आता है, इट इज वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू सर, सॉल्यूशंस देख के बहुत अच्छा लगता है, कीप इट अप, और मेहनत करो। अब बात अमरजोत सही कह रहा है कि यार ये इस पे नया चार्ज है, पहले इस पे चार्ज जीरो था, इस पे ये नया चार्ज है, इस पे चार्ज जीरो था, तो एक्चुअली इसमें से इतना चला गया होगा तब तो उसपे इतना बचा होगा, पहले इसका चार्ज जीरो था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आधा अर्थ में जाता है, आधे आधे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं। चार्ज कंजर्वेशन लगाइए, चार्ज को अगर यहां से जितना गायब हुआ उतना ही तो अर्थ में जाएगा। इस पे फाइनल चार्ज है माइनस क्यू बाय थ्री, और जितना यहां बच गया प्लस जितना अर्थ में चला गया उन दोनों का सम जीरो है। नॉर्मली तो बस वो क्यू डैश निकालना रहता है, यहां हम एक स्टेप आगे चले गए, इस पे नया चार्ज माइनस क्यू बाय थ्री है, पहले जीरो था, जब कुछ गया होगा अभी तो इस पे जीरो बचेगा, माइनस क्यू बाय थ्री बचेगा, जितना बचा है और जितना चला गया उन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, बस इससे आपका आंसर आ जाए, इससे आपका आंसर आ जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंदी जाएगा। आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और डायग्राम में तो हमने डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं दिखा है, पर वो कह रहा है ए इज मच मच ग्रेटर देन आर, ठीक है, एक दूसरे पे इंडक्शन इंडक्शन कुछ नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज है। इस पे चार्ज मैंने क्यू वन दिया और इस पे चार्ज क्यू टू दिया, देयर पोटेंशियल्स आर वी वन एंड वी टू। अब ये वी वन वी टू क्या है? V1 जो है ना कायदे से वो इसका खुद के कारण पोटेंशियल है, खुद के कारण पोटेंशियल है, प्लस इसका भी असर है। ये कोई डाउट हो तो बता दो। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो है पर ऐसा नहीं हम करेंगे कि इनका असर शुरू में ही बोल दें कि नहीं Q2 का असर Q1 पे होगा ही नहीं, बाद में कहीं इक्वेशन में लास्ट स्टेप में जाके R को A की तुलना में नेग्लिजिबल बोल सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। ऐसे V2 की इक्वेशन लिखी है, V2 के खुद के कारण पोटेंशियल ये है और पड़ोसी की मेहरबानी से पोटेंशियल ये है। अब मुझे इनमें से Q2 को एलिमिनेट करना है क्योंकि उसने सिर्फ Q1 मांगा है, Q2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं देखता हूं यहां Q2 के साथ R आ रहा है, यहां Q1 के साथ Q2 के साथ A आ रहा है, इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 बाय R से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 बाय A से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरी एक इक्वेशन आएगी V1 बाय R इज इक्वल टू K Q1
by r square plus k q2 by ar और v2 by a की इक्वेशन आएगी k q2 by ar प्लस के क्यू वन बाय ए स्क्वायर. ठीक है, अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा. जब मैं माइनस करूंगा तो मेरी इक्वेशन आएगी वी वन बाय आर माइनस वी टू बाय ए माइनस वी टू बाय ए. ये टर्म कैंसिल हो गया, इसको तो के क्यू वन पूरा कॉमन आ रहा है, के क्यू वन कॉमन आ रहा है, वन बाय आर स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर ऐसा हो गया. सही है, Q2 का टर्म एलिमिनेट हो गया. यहां मैं V1 कॉमन ले लेता हूं, सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो लिख लेता हूं V1 A माइनस V2 R अपॉन A R इज इक्वल टू K Q1 इनटू A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन A R इनटू A R, ताकि मैं एक A R यार कैंसिल कर सकूं. तो V1 A माइनस वी टू आर अपॉन के और ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ए आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू वन का आंसर आ गया. दिस इज इक्वल टू क्यू वन, ऐसा आंसर. मेन बात यह है कि आपने चार्ज क्यू वन और क्यू टू दिए थे, आपने इनको पोटेंशियल वी वन और वी टू नहीं दिए थे. V1 की इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी और V2 की इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी. और हम लास्ट स्टेप में आप जाके आप एक काम कर सकते हो कि इस R को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर दो, इस R को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर दो, R स्क्वायर को. अगर आप R स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हो तो Q1 का आंसर आ जाएगा V1 A माइनस V2 R इंटू ए इंटू आर अपॉन के, और फिर ये खाली ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए है, ये आर को हम निकलेक्ट कर चुके हैं, ये एक ए और कैंसिल हो जाएगा. क्यू वन का आंसर आएगा बी वन ए माइनस बी टू आर इंटू आर अपॉन के ए. अब वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसे रीअरेंज करना होगा. ऐसा भी छोड़ सकते हो और अगर ऑप्शन चाहेगा तो ऐसे करोगे, पर वो जो निग्लेक्ट करना है क्योंकि ए बहुत ज्यादा है, वो लास्ट इक्वेशन में ए को बहुत बड़ा बोला जाए या आर को बहुत जीरो बोला जाए, आखिरी लास्ट स्टेप में, शुरू में नहीं. बस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स इज, अगर मैं इनर वाले का पोटेंशियल लिखूं, इनर वाले का पोटेंशियल मतलब अफकोर्स इसका रेडियस आर वन है और इसका रेडियस आर टू है. इनर वाले का खुद के कारण ये है और क्योंकि वो पड़ोसी का इंटरनल पॉइंट है, बाहर वाले के लिए ये जो पॉइंट है सरफेस का पॉइंट है, क्यू वन के लिए तो सरफेस का पॉइंट है, सरफेस तक आना है, पर क्यू टू के लिए इंटरनल पॉइंट है तो क्यू टू की सरफेस तक जाना है. जिसके लिए तुम इंटरनल पॉइंट हो उसकी पूरी बाउंड्री तक जाना है. इसी तरह भी आउटर लिखोगे, भी आउटर लिखोगे जिसके खुद के कारण ये पोटेंशियल है, ये खुद के कारण, और इसका असर देखोगे तो इसके लिए तुम एक्सटर्नल पॉइंट पे हो. अगर एक्सटर्नल पॉइंट तक हो तो फिर सारी दूरी भी तुम्हें ही नापनी है, पूरी दूरी नापनी है. प्लस ये भी प्लस ही था, प्लस इसका असर पूरा यहां क्यू वन से आर टू तक आएगा. ये अगर मुझे इसका चाहिए खुद पर तो के क्यू वन बाय आर वन, और यहां चाहिए बड़े वाले के कारण, तो क्योंकि ये पॉइंट बड़े वाले का इंटरनल है इसलिए बड़े वाले का प्रोटेक्शन इसको प्राप्त है. जितना इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है सरफेस पे उतना इसका भी है. आउटर वाले की बात करें तो खुद के कारण ये है, और अंदर वाला जिसका असर बाहर आते आते थोड़ा कम हो चुका होगा, अंदर वाले का असर ये है. अब उसने डिफरेंस मांगा है, तुम जब बी इनर माइनस बी आउटर करोगे, बी इनर माइनस बी आउटर करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा के क्यू वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये आंसर.
हमें ये ऑब्जर्व करना है कि डेल्टा वी डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू इनर, इस बात पे 5 स्टार दे दीजिए आप। डेल्टा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो खाली इनर वाले पे डिपेंड करता है, डेल्टा वी डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू इनर। क्यू टू के टर्म्स तो दोनों तरफ कैंसिल हो गए, आंसर बता दीजिए इसका। वी एब्सोल्युटली राइट, यस। कौन था? सर नेहल। वाओ नेहल, नेहल दिस इज जस्ट सुपर, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। आई बीन ऑलवेज इंप्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट। उसे मार्क्स में भी दिखना चाहिए आपकी बात। यस सर, ठीक है ना। क्वेश्चन खूब करेंगे तो आपकी मेहनत मार्क्स में भी दिखेगी। बहुत बढ़िया आंसर वी, कुछ हवा लगी किसी को? इतना लंबा क्वेश्चन और आंटी जी ने एक लाइन में खेल खत्म कर दिया हमारा, एक अक्षर में वी, बात ही खत्म। इतना लंबा क्वेश्चन एंड जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्योंकि कह रहा है इफ द शेल इज नाउ, आपने अंदर वाले में चार्ज को चेंज नहीं किया है। अभी अभी हमने 5 स्टार दिए थे इसके पिछले क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस अंदर और बाहर केवल अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करता है, ऐसा बोल दीजिए साफ साफ कि द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज अनचेंज्ड, इनर स्फीयर इज अनचेंज्ड, सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अनचेंज्ड। आप बाहर कुछ भी करते रहिए, आप बाहर कुछ भी करते रहिए, इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत 5 स्टार दिए थे मैंने उस बात पे कि अंदर और बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो केवल अंदर वाले पे डिपेंड करता है। देखो ऐसा है, अगर रीजन दे तो कि बाहर वाले को तुमने जो भी चेंज किया है उससे जो बाहर पोटेंशियल पैदा होगा उतना ही तो अंदर भी होगा, बाहर वाले के कारण जो बाहर पोटेंशियल पैदा होगा उतना ही तो अंदर भी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके कारण कुछ हो ही नहीं सकता ना। मैथमेटिकली तो क्लियर है कि डेल्टा बी के फॉर्मूले में खाली क्यू इनर आया था, अंदर और बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो खाली अंदर वाले के चार्ज पर डिपेंड करता है। आगे लिख दीजिए रीजन, ये भी लिख दीजिए, पहले तो आपने ये लिख दिया कि डेल्टा बी डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू इनर, उसके बाद ये बोल दीजिए पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू द एडिशनल चार्ज, पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू द एडिशनल चार्ज इज सेम फॉर द सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल आउटर स्फीयर एंड फॉर द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर। जो बाहर वाले के चार्ज को आपने चेंज किया है उसके कारण जो बाहर पोटेंशियल पैदा हुआ है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी हुआ है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द एडिशनल चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द एडिशनल चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो ड्यू टू द एडिशनल चार्ज गिवन टू द आउटर स्फीयर, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द एडिशनल चार्ज given to the outer sphere will always be zero, right? ये हमारा next question है। Initially earthing नहीं थी, कुछ charges थे, A का potential पहले मान लीजिए V A था और B का potential V B था, बी इज अर्थ, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज वी ए, वी ए। नेहल जवाब देंगे इसका? सर वी ए होगा। नहीं गलत है,
जीरो ये भी गलत है, माइनस बी ए माइनस वी क्या क्या बोल रही हो तुम अनुष्का? वी ए माइनस वी बी बहुत सही एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर है वी ए माइनस वी बी शाबाश। यात्री ने हमारी सारी गड़बड़ कर दी, हम बाहर अब कुछ भी करते रहे हैं, आपने अंदर वाले को चेंज नहीं किया है। अगर आप बाहर कुछ भी कर दें जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वही बात में रहेगा, तो पांच स्टार वाला कॉन्सेप्ट आपका कमजोर पड़ गया अर्थिंग देख के। मैंने किसी एक का पोटेंशियल नहीं मांगा है आपसे, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस मांगा है। देखिए मैं आपके सामने से प्रूव करने जा रहा हूं, ये मान लीजिए ये कंडीशन है। वैसे तो अगर ये थंब रूल आपका सॉलिड हो जाए एक बार, चलिए प्रूफ देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आगे से आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थिंग देखने के बाद ये जीरो हो गया, ये हमारे दिमाग में बहुत गहरा बैठा हुआ है, परंतु अननोन भी तो देखिए क्या है, मांगा क्या है ये भी तो देखिए। इसका पोटेंशियल मांगता तो मैं जीरो कहता, और अब आपको लग रहा है कि इसका जीरो हो गया है तो बस वी ए माइनस वी बी में से वी बी जीरो हो गया तो वी ए बचा। कॉन्सेप्ट आपका वो सॉलिड बैठा ही नहीं है अभी दिमाग में। अगर तुमने अंदर वाले को चेंज नहीं किया तो तुम बाहर वाले को जो चाहो कर दो, भले ही अर्थ कर दो, भले ही कितना भी चार्ज दे दो, बस उसको वहां रहने देना। ऐसा नहीं कि बाहर वाले को उठा के ले जाओ लंका। तो पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज रहेगा, वो अभी भी बीए माइनस सी डी है। देखो पहले पहले जो ए का पोटेंशियल है, पहले जो ए का पोटेंशियल है वो है क्यू वन बाय आर वन, क्यू वन बाय आर वन माइनस क्यू टू बाय आर टू। और पहले जो बी का पोटेंशियल है, पहले जो बी का पोटेंशियल है वो है Q1 by R2 minus Q2 by R2। ये है VA minus VB। तो ये पहले A का पोटेंशियल है खुद के कारण ये और पड़ोसी के कारण ये, और B पर पोटेंशियल है, B पर पोटेंशियल है इसके कारण ये, और ये ऐड हो रहे हैं सारे के सारे। तो जो VA minus VB आ रहा है ना उसमें ये कैंसिल हो गया, Q2 by R2 कैंसिल हो गया, तो ये वही आ गया Q1 by R1 minus Q1 by R2। ये बात तो सही है, ठीक है, ये तो वही है जो हमने पढ़ा था, ये इनिशियली हो गया। और अब फाइनली एक्चुअली फाइनली जो कंडीशन बनेगी ना, ये तो हो गया इनिशियली, ये तो हो गया इनिशियली। फाइनली एक्चुअली क्या होगा, अगर यहाँ Q1 है ना तो यहाँ माइनस Q1 आएगा और अर्थिंग के कारण यहाँ सब खत्म हो जाएगा। ये A होगा, ये R1 होगा और ये R2 होगा। अब यहां का चार्ज कुछ चेंज होगा, इसका पोटेंशियल तो जीरो ही होना है पर चार्ज इसका चेंज होगा, इसका नया चार्ज एक्चुअली ये आएगा। अब जो ए का पोटेंशियल है, अब जो ए का पोटेंशियल है वो खुद के कारण इतना है और पड़ोसी के कारण इतना है, और जो बी का पोटेंशियल है वो इसका अगर यहां से देखूं तो क्यू वन बाय आर टू है माइनस क्यू वन बाय आर टू है, बी का पोटेंशियल जीरो है। अब जो वी ए माइनस सी डी है, अब जो वी ए माइनस सी डी है वो खाली ए का पोटेंशियल है और वो क्यू वन बाय आर वन माइनस क्यू टू बाय आर टू है। पहले भी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यही था, बाद में भी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यही है। जिसको आपने अर्थ कर दिया उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, यहां माइनस क्यू वन आएगा, यहां प्लस क्यू वन आएगा, और वो वाला प्लस वाला तो अर्थ में चला जाएगा। अब यहां पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल या तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि बी का पोटेंशियल जीरो है क्योंकि उसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, नहीं तो देखते हैं क्यू वन का असर देखना है तो क्यू वन से आर टू तक जाओ, और माइनस क्यू वन का असर यहां देखना है तो यहां पे माइनस क्यू वन बाय आर टू लिखो, ये बी का पोटेंशियल जीरो हो गया। अर्थिंग है तो पोटेंशियल जीरो तो होना ही है, ये प्रूव हो गया भाई कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वही बात में है।
मेरे को उसके लिए डी का नया चार्ज निकालना पड़ा, बस इतनी सी बात है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हम बस ये रूल बना लें कि तुम आउटर वाले को जो चाहो कर दो, आउटर और इनर में पोटेंशियल डिफरेंस खाली अंदर वाली चीज पे डिपेंड करता है। आउटर और इनर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनर के चार्ज पे डिपेंड करता है। दिमाग में बैठा लीजिए सॉलिड। ये अगेन आप हम ऐसे कई सवाल करेंगे जिसमें हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। जो आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, ऐसे कई सवाल हम करेंगे। तो चार्ज कहां से कहां बहता है? इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। लॉजिक के साथ बात करें सर, इनर वाला हाई पोटेंशियल पे है। हाँ, कौन सा हाई पोटेंशियल पे है ये बात तो मुझे भी नहीं पता, और मुझे इतना पक्का पता है, लिख दीजिए चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और फिर पूरा भी कर देते हैं स्टेटमेंट को टिल बोथ पोटेंशियल पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल इक्वल। क्या पोटेंशियल बिकम सेम के चार्ज बिकम सेम? पोटेंशियल सेम ना हो जाए तो शुरू का हम बोल सकते हैं कि इनर वाला हाई पोटेंशियल पे, इनर वाला हाई पोटेंशियल पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें खुद का भी असर है और बाहर वाले की भी मेहरबानी है। अगर इसकी बात करें तो इसमें खुद का भी है और अंदर वाले का भी है, पर इसका पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इसका खुद के कारण जो पोटेंशियल इसने यहां पैदा किया वो ज्यादा है और इसने जो पोटेंशियल वहां पैदा किया वो कम है। यदि इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं 100 वोल्ट है खुद का, और इसका मान लेता हूं सपोज 50 वोल्ट है खुद का, तो इसका टोटल हो गया 150। अब यदि इसका चाहिए मुझे तो खुद के कारण तो 50 है, पर इसके कारण यहां 100 थोड़ी ना होगा। इनर वाले का जो टोटल पोटेंशियल है वो खुद के कारण है 100 प्लस बाहर वाले के कारण है 50। अंदर के तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है जितना बाहर वाले का है, और अगर आउटर वाले का आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए तो 50 तो ठीक है, और इसका वहां असर तो थोड़ा कम आएगा ना, मे बी 80 आएगा। अंदर वाला ज्यादा फायदे में है तो लिख लीजिए इनर वन इज एट हायर पोटेंशियल, बस अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे है। जितना असर अंदर वाले बाहर वाले का अंदर होता है उससे कम असर अंदर वाले का बाहर होता है। अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे है, सो चार्ज फ्लोस फ्रॉम इनर टू आउटर, चार्ज फ्लोस फ्रॉम इनर टू आउटर। और इसका पार्ट भी है, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, what will be the final charge on the inner sphere? charge kab tak vahega? मैं आपको कह रहा हूं आंसर समझ के जवाब दीजिए, सारा चार्ज पूरा का पूरा चार्ज अंदर से बाहर बह जाएगा, पूरा चार्ज। असल में बात यह है कि डेल्टा वी जीरो होना चाहिए ना, और डेल्टा वी होता है क्यू इनर इंटू 1/a - 1/d, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। जो अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका तो ये फॉर्मूला है ना, और इसको जीरो होना है तो Q इनर को जीरो होना है, एंटायर चार्ज ऑफ द इनर स्फीयर विल फ्लो टू द और अब और क्लियर कर देता हूं, आउटर स्किन ऑफ द आउटर स्फीयर। अब यहां थोड़ी थियोरी ने भी आपको हेल्प कर दी,
अगर आपने इन्हें मेटल से जोड़ दिया, अगर आपने इन्हें मेटल से जोड़ दिया तो कंडक्टिंग पाथ दे दिया, तो चार्ज अंदर टिकेगा ही क्यों? वो तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा ना, वो एकदम पूरा का पूरा आउटर स्किन पे आ जाएगा। इसकी जो नई कंडीशन होगी ना, वो यहाँ चार्ज जीरो होगी और यहाँ चार्ज क्यू प्लस क्यू होगी। इसका सारा चार्ज आउटर स्किन पे आ जाता है हमेशा। अगर आप कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करते हैं तो सारा चार्ज हमेशा आउटर स्किन पे आ जाता है कि नहीं? अगर अंदर वाले को बाहर वाले से जोड़ देंगे, अंदर वाले को बाहर वाले से जोड़ देंगे, तो एंटायर चार्ज विल फ्लो टू द आउटर स्फीयर। एंटायर चार्ज विल फ्लो टू द आउटर स्फीयर और उसकी भी आउटर स्किन पे, क्योंकि अगर कंडक्टिंग पाथ है तो चार्ज को मैक्सिमम दूरी पे रहना है। ठीक है किंजू, थैंक यू। यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दे रहा हूं कि ये 50 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है और मैंने इन्हें जोड़ दिया, इन्हें जोड़ दिया, तो चार्ज कहां से कहां तक बहेगा? इनर से आउटर। हाँ, एक बार फिर जवाब वही है, चार्ज इनर से आउटर जाएगा, चार्ज इनर से आउटर जाएगा। कब तक? जब तक पोटेंशियल दोनों के इक्वल नहीं हो जाता। हाँ, वो बात तो ठीक ही है। अंदर का चार्ज खाली ना, तो उसकी जीरो नहीं हो जाता। अंदर का चार्ज जीरो ना। लिख दीजिए, एंटायर चार्ज ऑफ द इनर स्फीयर विल गो टू द आउटर स्किन ऑफ द आउटर स्फीयर। फिर से लिख दीजिए, अगर कंडक्टिंग पाथ आपने प्रोवाइड कर दिया अगर कंडक्टिंग पाथ आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसका जो भी चार्ज है वो पूरा बाहर आ जाए। चक्कर क्या है, पहले ये 50 पे है और ये 100 पे है। जो इनर वाले का वोल्टेज है ना, जो इनर वाले का वोल्टेज है वो 50 है प्लस 100। इसका यदि पोटेंशियल मान लीजिए सेपरेटली 100, इसका पोटेंशियल सेपरेटली 100 है, इसका असर नहीं, सेपरेटली इसका 100 है, तो अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल 150 हो गया और आउटर वाले का टोटल पोटेंशियल, इसका असर जब मैं बाहर देखूंगा तो 20 रह जाएगा, तो आउटर वाले का टोटल पोटेंशियल 120 रहेगा, तो अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे, इसका असर यहाँ ज्यादा है और इसका असर वहां कम है, तो ये फायदे में, ये अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे है, अंदर वाला हमेशा हाई पोटेंशियल पे है, तो वही कोरोना वाली बात है, अंदर वाला हमेशा पोटेंशियल बढ़िया है, दम है तुम्हारे अंदर, बाहर निकले तो कुछ चीजें कम होती चली जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्यू है, ये 2q है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 2r है। द टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर। बार बार वही सवाल दे रहा हूं जिसमें मेटालिक वायर से कनेक्टेड की बात आ रही है, और अननोन पे गौर कीजिएगा। चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर इज, बोलिए, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा, आउटर वाले का पहले देख लेते हैं, इसके कारण बाहर तक जाना है और खुद के कारण सरफेस तक आना है, तो ये 3 × k × q/2r कुछ ऐसा हो, और फाइनली आउटर वाले का ही फाइनली, बाद में तो आप जानते हैं कि सारा चार्ज यहीं आ जाएगा, नई कंडीशन ये होगी, फाइनली सारा चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो फाइनली जो पोटेंशियल आएगा वो k × 3q/2r आएगा।
बस आंसर है पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर जोड़ दिया ये चार्ज यहां था, जब यहां था तो भी इसका असर मैं इस दूरी पे देख रहा था, और जब ये चार्ज यहां चला जाएगा तो भी तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है उसका असर मैं इसी दूरी पे देखूंगा। पहले यहां बैठा था पर मैं इसका असर यहां देखता था, अब वही चार्ज यहां आ गया है और मैं इसका असर यही तो देख रहा हूं। सारा का सारा चार्ज स्किन पे चला गया है, ये बात तो सही है, पर अननोन को बस ध्यान देखना है कि अननोन क्या है। आपने आउटर वाले का, आपने इनर और आउटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं की, इनर और आउटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं की। अननोन डिफरेंट था, अननोन डिफरेंट था तो इक्वेशन उसकी फिर से बनाई, ठीक है। वही सवाल एक बार फिर से है, कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस ए का, इसका पोटेंशियल दे दिया, अभी चार्ज नहीं दिया, फिर अनदर कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस बी, और अब दोनों को मेटालिक वायर से जोड़ दिया, यानी वही सारा का सारा चार्ज बाहर चला गया। अब ए का नया पोटेंशियल कितना है, ठीक है। वैसा ही सवाल है, छोटा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। पहले खाली ये था, और जो V1 था, मान लीजिए इसका चार्ज Q था, V1 था K Q by A, now it is surrounded by, अब ये A है, ये B है, और मेटालिक वायर से जोड़ दिया तो सारा चार्ज यहां आ गया, तो मुझे पता है सारा चार्ज आउटर पे आ गया, और जो मुझे V डैश निकालना है वो है के क्यू अपॉन बी। अब सारा का सारा चार्ज यहां आ गया, अब सारा चार्ज यहां आ गया, और इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही अंदर भी पोटेंशियल है, इसकी सरफेस का पोटेंशियल ये है, और वही ए का नया पोटेंशियल भी है, वही ए का नया पोटेंशियल भी है, वही आपको निकालना है। यहां से के क्यू को निकाल के वहां डाल दीजिए, इस के क्यू को निकाल के वहां डाल दीजिए, तो ए वी वन बाय बी, बस ये आंसर हो गया, खत्म। सवाल ने क्यू के टर्म्स में बातें नहीं की थी, तो हम भी क्यू को एलिमिनेट कर देंगे, सवाल ने क्यू के टर्म्स में बातें नहीं की थी तो हम भी अब क्यू को एलिमिनेट कर देंगे। बढ़िया सवाल है। अब मैं कुछ सवाल वो ले रहा हूं जहां पर आपको सिग्मा दे दिया गया हो, ये सिग्मा वन है, ये सिग्मा टू है, ये ए है और ये बी है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है। सिग्मा के टर्म्स में आपको हर एक का पोटेंशियल लिखना है, सिग्मा के टर्म्स में आपको हर एक का पोटेंशियल लिखना है। पहले मैं आपको इतना सा रिवाइज करा दूं कि सिग्मा वी का फॉर्मूला था ई इंटू आर, और ई था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर आपको सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए या आपको इंटरनल पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए तो ये चल जाता है, वी सरफेस इज इक्वल टू वी इंटरनल इज इक्वल टू सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहिए, हमने क्लास के बिगिनिंग में क्वेश्चन किया था, अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहिए तो आपको क्या क्यू का टर्म नहीं चाहिए, क्यू का टर्म नहीं चाहिए, इनटू आर बाय आर करते हैं। बिल्कुल शुरू में एक सवाल किया था, वी आर बाय आर आया था इसका आंसर, कि सरफेस पे वी है पोटेंशियल, सरफेस पे वी है तो सेंटर से दूरी आर का पोटेंशियल निकालो, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आप बाहर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा ना। मुझे डायमेंशन चेंज नहीं करने तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं या इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और मुझे आंसर एक्सटर्नल पॉइंट पे छोटा चाहिए, ये तो कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है, ये आंसर आप ध्यान रख लीजिए, फिर ये न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब ए पे हैं तो ए दोनों का इंटरनल पॉइंट है, और दोनों का इंटरनल पॉइंट है तो इसके कारण भी सिग्मा ए बाय सिग्मा वन ये इसका हो गया,
और ये बड़े वाले का हो गया ये, दोनों के आप इंटरनल पॉइंट पे हो, आप दोनों के इंटरनल पॉइंट पे हो, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट ये लगेगा। जब आप बी पे हो तो सरफेस पे हो तो कोई बात नहीं, यही लगेगा। और बड़े वाले के तो आप इंटरनल पॉइंट पे हो तो जितना बड़े वाले की सरफेस पे है उतना आपको भी मिलेगा। जब आप सी पे हो तो आप सिर्फ एक्सटर्नल में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ एक्सटर्नल में प्रॉब्लम आती है। एक्सटर्नल में तो प्रॉब्लम है ही, बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम है ही, एक्सटर्नल में यहाँ प्रॉब्लम आएगी। ये इसकी सरफेस पे जो आ रहा था ना सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो ठीक है, इनटू ए बाय ये डिस्टेंस मुझे एसी करना पड़ेगा। और अभी भी मैं बड़े वाले के अंदर हूं तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, सिंपल केसेस हैं। डी पे जब मैं हूं तो मैं इस वाले के तो एक्सटर्नल पॉइंट पे हूं, और एक्सटर्नल पॉइंट पे तो बड़ा नाटक मचता है, एक्सटर्नल पॉइंट पे तो ये फिर ऐसा हो जाएगा। और सरफेस पे अगर हो, सरफेस पे हो तो अभी भी यही आएगा। और ई पे तो अब आपने किसी की भी नहीं सुनी, पूरी दुनिया से ही बाहर चले गए, दोनों दुनिया दोनों घर से बाहर चले गए। इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा अगर सरफेस पे होता तो इतना आता। अब ए बाय ए ई और आएगा, और बाहर वाले की बात करें उसकी सरफेस पे होते तो इतना आता, बाहर वाले की सरफेस पे इतना आता। अब आप बी अपॉन ए ई से और ये कर दीजिए, बहुत ध्यान देने लायक केस है। आजकल क्वेश्चन सिग्मा के ही आ रहे हैं, ध्यान से समझ लेना बात को, क्वेश्चन इसी के आएंगे। अगर आप सिग्मा के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो जब तक आप सरफेस पे हैं और जब तक आप इंटरनल पॉइंट पे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने रेडियस तक लीजिए हमेशा। पर अगर आप बाहर निकले तो ये एक टर्म और चिपकेगा, ये आर स्क्वायर हो जाता है और ये बाहर वाला टर्म आ जाता है। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। लिख लिया, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, पता नहीं वो क्या चाह रहा है, पर उसने इसको आर कहा है और इसको आर कहा है, आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर को ग्रेटर देन आर कह रहा है। वो कह रहा है चार्ज डेंसिटी थी, इसमें भी सिग्मा है तो इसमें भी सिग्मा है। और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अंदर वाले पोटेंशियल के लिए कह सकता हूं ये यहां पोटेंशियल, ये पॉइंट दोनों के लिए इनर पॉइंट है। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, कॉमन सेंटर की जो आप बात कर रहे हैं, इज इंटरनल पॉइंट, द इंटरनल पॉइंट इज इंटरनल पॉइंट ऑफ बोथ, इंटरनल पॉइंट ऑफ बोथ, तो जरूर वो V1 प्लस V2 होगा। और V का फॉर्मूला ER होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता था, अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो सिग्मा इनटू कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इनटू स्मॉल आर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर प्लस आर हो गया, ठीक है। और एक्चुअली आंसर यही से दिया जा सकता है, बड़ी मैजिकल सॉल्यूशन है इसकी, बड़ी मैजिकल सॉल्यूशन है, बड़ी प्यारी सॉल्यूशन है। इस सिग्मा को मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ज्यादा दिमाग लगाए बगैर, क्या आप मुझे बता सकते हैं Q/4πr³ ये जो चार्ज है पता नहीं कितना है, टोटल Q है, और इस पे जो है वो पता नहीं कितना है, पर ये Q और ये Q मिला के Q है। जो सिग्मा है ना, जो सिग्मा है उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, सिग्मा को मैं बोल सकता हूं टोटल चार्ज अपॉन द टोटल एरिया ऑन विच इट इज स्प्रेड,
बहुत ही ज्यादातर जबरदस्त बात हो गई है. टोटल चार्ज अपॉन द टोटल एरिया ऑन विच इट इज स्प्रेड. कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं इसका आंसर देने वाला हूं एरिया. ये और जो सिग्मा है ना वह है क्यू अपॉन 4πr² प्लस 4πr² ये एक्चुअली टोटल सिग्मा है इनटू आर प्लस आर. तो ऊपर था अलग से लिख लेता हूं. ये जो वी है ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू ऊपर है आर प्लस आर. और जो सिग्मा है ना वो है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया. ये टोटल एरिया है जिस एरिया के ऊपर वो टोटल चार्ज फैला है. इससे आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा. इससे आंसर आ जाएगा 1/ε₀ ये आर प्लस आर. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू इंटू आर प्लस आर अपॉन ये तो 4π भी यहाँ ले लो इस वाले 4π को वहां ले चलो तो फिर ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देता है. अगर आप ये पहचान जाएं कि इस चार्ज क्यू का ही छोटा सा हिस्सा इस पे भी फैलाया था और इस पे भी फैलाया था जिस टोटल एरिया पे ये वो टोटल एरिया है जिस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जो सिग्मा है एक्चुअली वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया है. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास कन्वेंशनल मेथड ये होगा. आप कहोगे कि मान लो इस पे क्यू आया और इस पे क्यू माइनस क्यू आया फिर आप कहोगे क्यू अपॉन 4πr² इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपॉन 4πr² इससे आप मेरी स्मॉल क्यू निकालोगे और वापस सिग्मा की इक्वेशन में डाल दोगे. सिग्मा किसी भी एक इक्वेशन से निकाला जा सकता है. क्यू निकाल के वापस सिग्मा की इक्वेशन में डाल देना और फिर वहां से आउटपुट करना आंसर आएगा. पर मेरा कहना है कि नहीं ये सवाल बनाया ही गया है कि इस तरह से सॉल्व होने के लिए. ये तो आप पहचान रहे हैं कि वो पॉइंट दोनों का इंटरनल पॉइंट है. अब सिग्मा को डायरेक्ट पहचान लीजिए कि टोटल चार्ज अपॉन ए टोटल एरिया तो फिर सबकी जरूरत ही नहीं है. वरना इसकी चार्ज डेंसिटी और इसकी चार्ज डेंसिटी को इक्वेट करिए और क्यू निकालिए तो क्यू को आप वापस इसमें डालिए तो आपको इसका सिग्मा आएगा. किसी भी एक का सिग्मा निकाल के यहाँ डाल दीजिए और उसकी जरूरत ही नहीं है. जो सिग्मा है ना टोटल चार्ज क्यू है और वो टोटल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ये बोल रहा ओवर द सरफेस एरियाज ऑफ द टू स्फीयर्स. टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरियाज ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. बात समझ में आई? कुछ पूछना तो नहीं है? फोर कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं एबीसीडी रेडिया इनके ये सब है. ए पे चार्ज के बारे में कोई बात नहीं की गई है और सी को अर्थ कर दिया गया है. तो एक बात पक्की है जिसको अर्थ किया है हम उस पर चार्ज क्यू डैश मान लेंगे और उसके टोटल पोटेंशियल को जीरो लिख देंगे. ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है इसको अर्थ कर दिया गया है. ए पे कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल है. बी पे चार्ज प्लस क्यू है और डी पे चार्ज माइनस क्यू है. इस पे चार्ज मैं क्यू डैश मान लेता हूं हमेशा. और अब मैं बी सी को जीरो लिखने की इक्वेशन प्रारंभ करता हूं. सी का पोटेंशियल जीरो है तो सी का पोटेंशियल अगर ए के कारण निकालो तो ए पे तो कोई चार्ज नहीं है उसका टर्म मैं नहीं लूंगा. ए पे कोई चार्ज नहीं है इंडक्शन भी नहीं होगा अंदर. इसका मैं यदि यहां से निकालता हूं ये ए टू ए थ्री ए फोर ए है ये ए है ये टू ए है ये थ्री ए है और ये फोर ए है. तो पहले मुझे इस चार्ज का असर निकालना है वहां जिसकी सेंटर से दूरी 3 है. सी का पोटेंशियल होगा जीरो प्लस
बी पे चार्ज है क्यू और इस पॉइंट की दूरी सेंटर से थ्री ए, फिर प्लस के क्यू डैश अपॉन थ्री ए, बी का असर मुझे सी पे निकालना है, ये डिस्टेंस थ्री ए है लूंगा तो सेंटर से, और फिर जो सी है वो डी का इंटरनल पॉइंट है, जो सी है वो डी का इंटरनल पॉइंट है, तो माइनस के क्यू अपॉन फोर ए, ये जीरो है, ये जीरो है, सी को अर्थ किया है, इसके लिए वो एक्सटर्नल पॉइंट था तो मैं सरफेस तक गया और खुद के लिए तो सरफेस तक जाऊंगा ही, अब इसका असर देखना है तो इसकी सरफेस तक जाऊंगा, ये सी जो है वो डी के लिए इंटरनल पॉइंट है तो इसको उतना ही मिलेगा जितना सरफेस पर है, सरफेस पे कितना ये जानने के लिए सरफेस तक जाऊंगा, अब मैं इनको जीरो से इक्वेट कर देता हूं तो के और ये हटा दो, क्यू बाय थ्री प्लस क्यू डैश बाय थ्री इज इक्वल टू क्यू बाय फोर, सो क्यू डैश बाय थ्री इज इक्वल टू क्यू बाय फोर माइनस क्यू बाय थ्री, सो ये हो जाएगा क्यू बाय ट्वेल्व, और तो यही रहने दो, थ्री क्यू माइनस फोर क्यू, चेक कर लेता हूं, ये क्यू बाय थ्री सही है, ये क्यू डैश बाय थ्री सही है, तो उधर जाके क्यू बाय फोर सही है, और अब मेरे को क्यू डैश बाय थ्री चाहिए तो इनफैक्ट इधर लाऊंगा इसको, क्यू डैश बाय थ्री सही है तो ठीक है, सॉरी क्यू बाय फोर, क्यू बाय फोर माइनस क्यू बाय थ्री यही सही है, क्यू डैश चाहिए मुझे क्यों, तो हो जाएगा थ्री माइनस फोर इंटू क्यू अपॉन थ्री फोर, तो ये कैंसिल हो गया, तो जो क्यू डैश आ गया वो आ गया माइनस क्यू बाय फोर, जो क्यू डैश आ गया वो आया माइनस क्यू बाय फोर, अब ठीक है, इसका पोटेंशियल अगर जीरो होना है, ठीक है वो अब जो भी कैलकुलेशन से आ गया इसका पर कुछ नहीं कह सकते, हाँ ये तो पक्का है कोई यहां पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करे और कोई यहां नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करे, क्यू डैश मुझे मिल गया, अब इस क्यू डैश के कारण मैं फाइनली ए का पोटेंशियल निकाल लेता हूं, मुझे वीए माइनस बीसी निकालना है, मुझे वीए माइनस बीसी निकालना है, अब मैं ए का पोटेंशियल निकाल लेता हूं, ए का पोटेंशियल किसके कारण है, इसके कारण है, इसके कारण तो कुछ है ही नहीं, इसके कारण है क्यू बाय के क्यू बाय टू ए, इसके कारण है के क्यू बाय टू ए, और सी के चार्ज के कारण है माइनस, मतलब के और वह चार्ज है माइनस क्यू बाय फोर और वो डिस्टेंस है थ्री है, और डी के कारण यहां असर है प्लस के माइनस क्यू बाय फोर ए, अब ये वी ए है, ये वी ए है और यही वी ए माइनस वी सी भी है क्योंकि सी का पोटेंशियल जीरो है, ये वी ए है जो ए का पोटेंशियल है मैं उसमें से के क्यू और ए कॉमन ले रहा हूं, इधर आएगा वन बाय टू और इधर आएगा माइनस वन बाय ट्वेल्व, माइनस वन बाय ट्वेल्व और इधर आएगा माइनस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर इधर आएगा के क्यू बाय ए और फिर मैं ट्वेल्व कॉमन ले लूंगा, इधर आएगा सिक्स माइनस वन माइनस थ्री है ना, तो जाएगा के क्यू बाय ए और टू बाय ट्वेल्व, तो फाइनली के क्यू बाय सिक्स ए इसका जवाब आ जाएगा, ये एक्चुअली ए का पोटेंशियल है और सी का पोटेंशियल तो जीरो है तो यही वी ए माइनस वी सी भी है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद 20 साल पहले जेईई में और मेडिकल में भी एक बार आ चुका है, ये थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल्स हैं, चार्ज डेंसिटी ये सब है और बस ए की इक्वेशन लिखनी है और आपको सी की इक्वेशन लिखनी है और उन्हें इक्वेट करना है, कहीं भी कोई अर्थिंग वर्थिंग नहीं है, अगर बहुत ध्यान से आपने फॉलो किया है क्लास तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी,
हाँ ये शुरू में तो लंबे और कठिन लगते हैं। आप ए के पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे, सी के पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये जेई तो छोड़िए, मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, वो भी 10 साल पुराना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और सिग्मा माइनस सिग्मा और वापस प्लस सिग्मा। अब ए का पोटेंशियल जब मैं लिखूंगा ना, तो ए इसका भी असर देखूंगा, इसका भी असर देखूंगा, इसका भी असर देखूंगा। ए जो है वो बी के अंदर है और सी के भी अंदर है। तो जब तुम किसी के अंदर में हो तो तुम मजे में हो, प्रॉब्लम आती है जब तुम बाहर जाते हो, तब तुम्हें अपनी हैसियत समझ में आती है और वो धीरे धीरे घटती जाती है। ए जो है वो इंटरनल पॉइंट है, तो मजे ही मजे हैं। खुद के कारण यहाँ पोटेंशियल है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट ई ई टू आर से। खुद के कारण यहाँ पोटेंशियल इसके हर पॉइंट पे और सरफेस पे इतना है। अब ए इसके भी अंदर है, तो जितना इसकी सरफेस पे है उतना ए को भी प्राप्त है। ये भी आसान हो गया। और जितना सी की सरफेस पे है उतना भी ए को प्राप्त है, क्योंकि ए सी के अंदर है। अगर आप इंटरनल पॉइंट पे हो तो काम बड़ा आसान है। अगर आप सी की बात करेंगे, डायरेक्ट सी की बात करेंगे, तो अब सी का टर्म ही केवल आसान आएगा, ये टर्म थोड़े कठिन आएंगे। अगर आप इसका असर वहां देखेंगे ए का, तो ये ऐसा आएगा इंटू ए बाय सी। अगर आप बी का असर यहां देखेंगे, तो बी का जो अपनी सरफेस पे आता था पहले, वो लिखो इंटू बी बाय ये सी की दूरी, क्योंकि आपको यहां असर देखना है। और अब आप तो सी पे हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस ये हो गया काम। कोई डिस्कशन आपको मुझसे करना है तो कर लीजिए। मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय सी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय सी, और ये हो सर, जाएगा सी। सर ये वाला टर्म, इसमें अगर मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, तो ये तो ए माइनस बी प्लस सी हो गया। हाँ पूछिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हाँ बहुत बढ़िया, वंडरफुल, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया रहने, शाबाश। थैंक यू सर। कुछ दिनों ऐसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े एक्सप्रेशंस का फोबिया रहेगा, पर अगर इनको ओवरकम कर लिया तो फिर आपको हर चैप्टर में इनका फायदा मिलेगा। हर चैप्टर में इनकी आदत पड़ने की बात है। ये इंटरनल पॉइंट पे जब आप हो, तो पोटेंशियल जितना इसकी सरफेस पे है उतना इसका है, जितना इसकी सरफेस पे है उतना इसका है, तो आसान हो गया। और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक बात ध्यान रखना है, सरफेस पे जो है, क्लास शुरू में ही मैंने बिल्कुल पहला क्वेश्चन कराया था कि एक्सटर्नल पॉइंट पे ये आएगा। सरफेस पे अगर पोटेंशियल वी है तो एक्सटर्नल पॉइंट पे ये आएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, वो ही हमने बार बार किया है। अगर आप बी पे चाह रहे हो, तो इसकी बी के कारण आप ए के कारण सी पे यहां चाह रहे हो, तो पहले खुद की सरफेस पे इंटू ए बाय सी। यदि इसका चाह रहे हो, तो इसकी खुद की सरफेस पे इंटू बी बाय सी। और इसका खुद का चाह रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसने इन दोनों को इक्वेट करने को कहा है। अब इन दोनों को इक्वेट करने के लिए कहा है, तो बस फिर तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू ए माइनस बी प्लस सी इजिकल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी। अब ये कैंसिल हो गया, और अब आप इसको अपने आप अपने हिसाब से सॉल्व करते रहिएगा। ये मैं ले सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। इधर ले जाके मैं ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेता हूँ। ये मेरे कैंसिल हो गए, और मुझे सी और ए बी में रिलेशन चाहिए। मैं सी अगर यहाँ कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ले लूँ, तो हाँ ये
ये कैंसिल हो रहा है और सी जो है वो ए प्लस बी। ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी आप यह काम कर सकते हैं, इतना तो पक्का है कि सी सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन अगर आपके सामने दिए होते तो हो सकता है आप कुछ और दिमाग भी चला लेते। इतना पक्का है कि सी ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, तो हो सकता है वो ए प्लस बी हो। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन हो तो और एनालिसिस बेटर होता है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया, वही सब कॉन्सेप्ट और कॉन्सोलिडेट करते हुए। पोटेंशियल शेल्स है ये, ऐसा है ये, माइनस सिग्मा है और एक पे प्लस सिग्मा है। एक का रेडियस आर मान लीजिए और एक का रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए। तो ग्राफ से अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑप्शन में ही देखते हैं, ऑप्शन ही आपको जो है ना वही कुछ हेल्प करते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है कि सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये भी यही कह रहा है, इनफैक्ट ये भी कह रहा है और ये भी यही कह रहा है। सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जरा उसको एनालाइज कर लेते हैं। हालांकि हम उसके बाद सोचे तो ज्यादा अच्छा है। वेरिएशन यहां आ रहा है, ग्राफ कहीं वेरिएशन यहां है और कहीं यहां है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है और ये पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो मैं यहां देख लेता हूं, हालांकि आंसर मुझे इस रीजन में सोचने से मिलेगा, क्योंकि सेंटर से लेके सरफेस तक हर बार, सेंटर से लेके सरफेस तक हर बार वो पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहा है। ठीक है, एक्चुअली सेंटर से लेके सरफेस तक एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू आर तक तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माइनस सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माइनस आर आ जाएगा, नहीं माइनस सिग्मा अंदर है, सॉरी माइनस सिग्मा अंदर है, ऐसा कुछ था ये सेकंड वाला। ये माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा है, इसके कारण अंदर पोटेंशियल है, सेंटर पे पोटेंशियल है, सेंटर पे पोटेंशियल है माइनस सिग्मा इनटू स्मॉल आर बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इनटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो ये आर माइनस आर है, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये और ये नहीं हो सकते। यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक लेके पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि ऐसे ग्राफ ही नहीं दिए गए जहां ये वेरी होता, चारों में ही एक्चुअली ये कांस्टेंट दिया है। हाँ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव ओवर डिसाइड हो गया ध्यान से, कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अब असली मुद्दा यहां आता है, अब जब आप स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जा रहे हैं तब देखना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहां किसी रीजन पे, यहां किसी रीजन पे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला है ना, इसका असर तो यहां से यहां तक कॉन्स्टेंट रहेगा और इस वाले का असर थोड़ा कम होता चला जाए। अगर x इज इक्वल टू आर से आप x इज इक्वल टू आर पे आएंगे तो जिस पॉइंट पे आप हैं, आप यहां से यहां तक आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट बड़े वाले के इंटरनल पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट बड़े वाले के इंटरनल पॉइंट हैं, तो इसका असर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ओवरऑल वही असर होगा जो इसका होगा। और इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका पोटेंशियल खैर है ही कम। मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे माइनस, ये माइनस टेन से माइनस नाइन से माइनस एट ऐसे हो रहा है और इसका असर हर जगह प्लस टेन टेन है, इसका असर हर जगह प्लस ट्वेंटी है,
पॉजिटिव है, आर बड़ा है ना, और वो न्यूमरेटर में आ रहा है सिग्मा इनटू आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो अब टोटल वैल्यू यहाँ पे 10, 11, 12 होती जा रही है। इसको शायद मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया था सेकंड वाले को, ये तो ऐसे ही हो गया। अब क्लियर हो गया कि पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, सेकंड ग्राफ आएगा। फर्स्ट और सेकंड में डाउट था, देखो माइनस वाले के कारण इसका असर देखते हैं, तो इसका 20 20 20 20 सब जगह सरफेस तक, इसके तुम बाहर जा रहे हो तो -10 -9 -8 टाइप हो रहा है, तो 20 -10 10 20 -9 11 20 -8 12, इसका असर कमजोर होता जा रहा है, इसका असर कमजोर होता जा रहा है माइनस वाला सर, तो टोटल बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा टफ तो है पर ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की तरफ ध्यान दें आप, कि ग्राफ में आप एलिमिनेट करिए जो पोर्शन डिफरेंट है उस पर फोकस करिए, ये पोर्शन डिफरेंट था और ये पोर्शन डिफरेंट था, ये भी सब में सेम ही था करीब, सारा डिसीजन यहीं से होना था, तो आर्बिट्ररी कुछ वैल्यूज ले लीजिए, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल 20 है तो सब जगह 20 है, और इस वाले के कारण तो पोटेंशियल माइनस में घटना शुरू हो गया है, तो टोटल पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया है, टोटल पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया है, राइट। और अब एक फाइनल क्वेश्चन, बस लाइन चार्ज का है, लाइन चार्ज का एक फाइनल क्वेश्चन है, वो ये है कि ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, ये लाइन चार्ज है, ऑफ कोर्स काफी लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है और इस पे ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, कहता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम a टू b, बस यही वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम a टू b। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है q डेल्टा v और v फाइनल माइनस v इनिशियल करते हैं, तो ये q नॉट इंटू v b माइनस v a हो जाएगा, और v b माइनस v a निकालने के लिए मैं पूरे डेरिवेशन का सहारा लेता हूं, याद नहीं है मुझे, मैं डेरिवेशन का सहारा लेता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर, ये e था k इंटू 2 लैम्डा फिर 1 बाय आर डी आर, और a का डिस्टेंस है 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, a का डिस्टेंस है लाइन चार्ज से 3 है और b का डिस्टेंस है 2 है, अगर आपको रिजल्ट याद है तो अच्छा है, और ये डायरेक्टली हो जाएगा माइनस k इंटू 2 लैम्डा, 1 बाय आर डी आर इज लॉग आर, लॉग आर फ्रॉम 3a टू 2a, तो जाएगा माइनस k इंटू 2 लैम्डा लॉग 2 बाय 3, और ये माइनस हटा दूंगा तो k इंटू 2 लैम्डा लॉग 3 बाय 2, ये हो गया, तो जो फाइनल आंसर आ गया वर्क डन का वो है q नॉट इंटू db माइनस ba ही मैंने निकाला है, और वो है k इंटू 2 लैम्डा, k इंटू 2 लैम्डा लॉग 3 बाय 2, ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। हमें ये पता है कि हम चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज है उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल क्यू नॉट अगर पॉजिटिव चार्ज माना जाए तो आप इसे फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, हम थोड़ा थ्योरी से सपोर्ट कर देते हैं, अ पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फील्ड, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी पॉजिटिव, और ये लॉग 3 बाय 2 से पता लग रहा है कि हाँ आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लॉग ऑफ बड़ा कौन छोटा, ये पूरा आंसर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ही आना चाहिए था, इसमें माइनस साइन का ही एक डर था जिस वजह से मैंने पूरा डेरिवेशन किया, अगर माइनस साइन में डर है तो पूरा डेरिवेशन करिए, और वरना ये सोचिए कि आप लो से हाई जा रहे हैं, फील्ड तो ऐसी कुछ है, आप फील्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, राइट।
सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. फाइनली सारे पोटेंशियल्स हमने कर लिए. गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ई और वी के सवाल सारे के सारे सिस्टमैटिकली सीक्वेंशियली आपके सामने हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.